नैब कवानीन के बिल पर हर पहलू से बात हुई, लेकिन ऐसा तासुर दिया गया जैसे सिर्फ नैब मुकदमात हम पर हैं। हम भी रंगबाजी करते हैं, लेकिन वजीर दाखला तमाम हदें अबूर कर गए। ख्वाजा आसिफ की शाह महमूद कुरैशी पर लफ्जी गोलाबारी, बोले नैब कवानीन सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए गए। अपोजिशन नैब कवानीन का शिकार है, लेकिन हुकूमती अरकान मुस्तस्ना हैं, आइंदा हुकूमत से मशावरत नहीं करेंगे। जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, सियासतदान हैं, सियासतदान इस किस्म की रंगबाजी जो है वो करते हैं। उन्होंने कल रंगबाजी में जो प्रोप्राइटी की तमाम तर हदूद जो हैं, जो एक डिसेंट मुआशरे में जिनका एहतराम किया जाता है, वो तमाम तर जो हदूद जो है वो क्रॉस की। हम अपने लिए रिलीफ नहीं चाहते, हमने जो भुगतना था भुगत चुके हैं, 80% 70% और भुगत लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इज्जत के साथ वकार के साथ भुगतेंगे। लेकिन ये इतने नाअकबत अंदेश हैं, कल खौफ इनको इतना है कि अपने सूबे में नैब का जो एहतसाब का जो हेड था वो जनरल साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोबारा हुकूमत आई, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। हम तो कवानीन में सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। सारे केपी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेईमान नहीं है, सारे केपीके में कोई बेईमान नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पर रहते हैं।